जा रहे हैं अंदर, तो कुछ फोटोज़ हैं सुभाष चंद्र बोस की, और अब अंदर चलते हैं। ये देखो फोटोज़ सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी के टाइम की, ये उनकी टोपी रखी हुई है। एक फ़ोटो और हो जाए और एक उनका भी फ़ोटो आ जाए तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा। और वीडियो में देखिए मैंने फ़ोटो क्लिक किया था, ये डेज लिखे हैं और हियर कुछ फोटोज नेताजी की। ये तलवार है, अबाउट द म्यूज़ियम, म्यूज़ियम के बारे में है। पोस्ट करके आप देख सकते हैं। ये कुछ उनके बैच नहीं, ये इंडिया का कुछ जब के बैच जो वो लगते थे मेजर के, कैप्टन के, ये जब के 10 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़। और नेताजी की कुर्सी आपने देखी नहीं होगी, ये भी आप देख सकते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया हुआ एक मैसेज। इसमें भी आप देख सकते हैं सब कुछ वही है जो कि उन दो म्यूज़ियम में देखा था आपने। सुभाष चंद्र बोस की कुछ फोटोज, बोस परिवार से परिचय कराते हैं अब आपका। यह बोस परिवार, ये कुछ फोटो, माँ भगवती देवी, पिता का फोटो, फ्लैग 1947 का, राष्ट्रवाद 1912 की, ये सुभाष चंद्र बोस की स्टूडेंट लाइफ की फोटो है। ये उनका स्कूल है कलकत्ता में। ये कुछ उनकी डायरीज की और उनकी फोटोज, फादर का एक कार्ड है, ये देख सकते हैं आप उनकी राइटिंग, बैंक लिमिटेड बैंक ऑफ, ये कुछ कैप उनकी जो उन्होंने स्कूली और अपनी यूनिफॉर्म में पहनी थी स्कूली टाइम। ये कुछ बैच हैं, ये पीत, ये फ्लैग है, ये चेकबुक है बैंक लिमिटेड बैंकॉक की, जहाँ पे वो पढ़ने के लिए गए थे बाहर। चेक बुक ऑफ आज़ाद हिंद, ये कुछ उनका प्रोजेक्टर से दिखाया जा रहा बायोडाटा, ये कुछ फोटोज हैं। अब सेकंड में प्रवेश कर रहे हैं, ये कुछ 1951 महात्मा गांधी की नमक सत्याग्रह में जब वो गए थे। स्वतंत्रता दिवस गिरफ्तारी, ये फुल्ली कंप्यूटर टच,
आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में इंग्लिश में भी। ये कुछ 1935 में पिता का अंतिम संस्कार के लिए आए थे। या बैठ के देख सकते हैं उनके बारे में कुछ स्टोरी चल रही है। ये सब कुछ आप देख सकते हैं। मृत्युभूमि की सेवा में। और अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर का जो भी था मैंने आपको दिखा दिया है सब कुछ। फर्स्ट फ्लोर के लिए फिर से ऊपर जाते हुए आप फोटो देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस फ्लैग के साथ संबोधित करते हुए जनता को। ये कुछ फोटोज हैं महात्मा गांधी के साथ। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी उनकी स्टोरी चल रही है। माइक के थ्रू देख सकते हैं जर्मनी और भारत से टुकड़ी। ये कुछ उनके द्वारा लिखी गई स्टोरी आज़ाद इन रेडियो और रेडियो के द्वारा जो मैसेज देते थे सभी आम जनता को 1942 में आज़ाद इन रेडियो। बोस योजनाएं जो उन्होंने बनाई थी वह लोग जिन्होंने 1942 में सुभाष चंद्र बोस की बलिदान पहुंचने में मदद की। जर्मनी थोड़ी नहीं गए थे? हाँ जर्मनी गए थे ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अच्छा बर्लिन में पहुंचने के लिए मदद की थी। एक संदेश जो कभी नहीं पहुंचा जो उन्होंने दिया था। या आप देख सकते हो कलकत्ता तो बर्लिन के लिए कैसे गया पहले जैसे स्टार्ट हुआ ओवरा ब्रिज ये सब कुछ कैसे गए यहाँ से वो स्टोरी भी यहाँ पे चल रही है। क्लियर नहीं है। धनबाद लास्ट था इनका। ताज होटल सब कुछ है जैसे जैसे भी गए थे। तो कुछ फोटोज हैं कांग्रेस अध्यक्ष की अटैक INC प्रेसिडेंट इन एक्शन फॉरवर्ड ब्लॉक द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ चित्र 1939 के झारखंड का कुछ दृश्य गिरफ्तारी प्रेसिडेंट जेल अपने ही घर में कैदी। हावड़ा ब्रिज देख सकते हैं आप। दूसरी साइड भी देखते हैं अब। ये बंदा दूसरी साइड बस यही था जो भी था। अंदर नहीं है। ये कुछ फोटोज हैं इंग्लैंड में अंडमान की। इंग्लैंड जो कि सेना वाले थे उन्होंने अंडमान को खो दिया था। थाईलैंड का कुछ दृश्य। सेना का भारतीय
अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का अत्याचार ही आप फोटो देख सकते हैं। कप्तान मोहन सिंह, ये कुछ स्टोरी है। His focus was on the sleepy German town of Annaburg, south of Berlin. The ship in ka. During the war, it was the arrival point for the nearby POW camp that could explode. In the autumn of 1941, the first attachment of British Indians arrived here by train. They'd been specially separated from their British colleagues. अब चलते हैं फोर्थ म्यूजियम में। ये अपने तीन म्यूजियम कवर कर लिए हैं। अपने तीन म्यूजियम कवर कर लिए हैं, फोर्थ म्यूजियम में जा रहे हैं। आपने देखा है तो ये काफ़ी लंबी स्टोरी नहीं हो जाए, इसलिए हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो आप इसको पार्ट्स में देख सकते हैं, इसका सब पूरी की पूरी डिटेल, जो भी जो कि लाल किले की अंदर की जो बाहर का था दृश्य, और ये सारा का सारा मैंने आपको दिखा दिया है। अब फोर्थ म्यूजियम में चलते हैं, उसके बाद देखते हैं इस कि कितने पार्ट्स में ये हो सकता है डिवाइड। ओके, अब फोर्थ म्यूजियम के लिए निकल चुके हैं। अब यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, वहाँ पे आपने देखा था मुगलों के द्वारा, और फिर आपने देखा था जलियांवाला कांड, सब कुछ। अब ये फोर्थ म्यूजियम में देखते हैं कौन सा ईयर आता है। तो ये आने वाला है मेरे ख्याल से 1947, जो हमारे आज़ादी का युद्ध हुआ था जब। अब चलते हैं और अंदर देखते हैं।